अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे और सर्दियाँ इंजॉय कर रहे होंगे। आज हमारे घर में बनने जा रही है फिश, जिसको हम चिड़ा फिश कहते हैं। आप क्या कहते हैं आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। चलिए जी चलते हैं रेसिपी की तरफ। जिसके लिए मैंने ले ली है ये फिश, इसको मैंने अच्छे से अंदर से भी वॉश कर लिया है। एक दिन के लिए सोव लग के पड़ी थी, आपको पता जैसे रखते हैं वैसे ही ये पड़ी थी। इसको मैंने धो, नमक नहीं लगाना क्योंकि आपको पता पीछे से लग के आता है। ये जो चकोतरा जो इसके अंदर यूनिक है, नया स्टाइल है, बिल्कुल मेरी अपनी रेसिपी है, बहुत मज़े की और डिफरेंट सी ये बनती है। ये खाने के लिए नहीं है, इसको लगाने के लिए है। इसके जो मसाले हैं वो देख लें आप लोग, हल्दी, गरम मसाला, चाट मसाला और ये थोड़ी सी अजवाइन इसके अंदर हम डालेंगे, बिल्कुल थोड़ी सी माइनर सी। ये फूड कलर है और पीसा धनिया, लेमन और चकोतरा, ये जो इसको लगाने वाले मसाले ये वो हैं। अब आप देख सकते हैं क्या मसाले मैं डाल रही हूँ, कोई ज़्यादा मसाले नहीं है। जितने घर के डब्बों में पड़े ना, सारे थोड़े थोड़े लेकिन इसके अंदर डाल दें और इसका फ्लेवर बड़ा मज़े का बनेगा। थोड़ी सी जो हमारी ये दादर मिर्च है, हम ये थोड़ी सी ज़्यादा डालेंगे। इसके बीच हम चकोतरे के अलग कर देते हैं, इसको अच्छे से हम इसके अंदर निचोड़ देते हैं। एक मैंने पहले से निचोड़ दिया, दूसरे को मैं इसके अंदर स्क्वीज़ कर रही हूँ, अच्छे से इसका जूस निकाल रही हूँ, इसके अंदर लगा रही हूँ। इसका जो फ्लेवर है ना, बिल्कुल आम फिश से डिफरेंट होता है इसके मीट का, इस फिश के। और जो ये मैं इसको मसाला लगा रही हूँ ना, बिल्कुल सा ऐसा डिफरेंट और यूनिक टेस्ट बनता है ना, मैं कहती हूँ ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा कैसा टेस्ट बनता है। हर बंदा अपने घर में अपने तरीके से चीज़ें बनाता है, मैं अपने तरीके से बना रही हूँ, ज़रूर आप देखें। ये लेमन भी मैंने थोड़े से इसके अंदर डाल दिए हैं फॉर फ्लेवर। इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है कि इसके मसाले एक जन हो जाएँ। बहुत अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद, ये देखिए फूड कलर डालने का मतलब है कि मसाले जो है ना वो येलो शेड में रहे, वो काला काला सा रंग है ना वो ना हो जाए। ये देखिए फूड कलर मैंने थोड़ा सा डाला है, ज़बरदस्त सी लुक आ रही है। ये देखिए चकोतरे के जूस में ही हमारा मसाला तैयार हो रहा है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, अगर कर दिया तो थैंक यू, अल्लाह आपको खुश रखे। चले जी इसके ऊपर हम सारे अपने मसाले डाल देते हैं फिश के ऊपर। इसको अच्छे से हमने मैरिनेट करना है कि इसके टक्स के अंदर भी जो हमने लगाया हुआ है ना कट, उसके अंदर हमने फिट अच्छे से इसको फील करना है कि हमारा कोई भी हिस्सा ना ही रह जाए। अंदर से भी बाहर से भी हमने बहुत मज़े से और टेंशन फ्री होके इसको बनाना है। इतना फ्लेवर इसका मज़े का बनता है, मैं कहती हूँ आप ट्राई करेंगे तो बोलेंगे वाकई डिफरेंट फ्लेवर बना है। लेमन तो हम लगाते ही हैं हर फिश को, लेकिन ये चकोतरा, मौसमी, ऑरेंज, ये जो लगाने से फ्लेवर चेंज होता है ना, ओह लाजवाब है। आपने ट्राई ज़रूर करना है। ये देखिए मैं अच्छे से इसके अंदर कट्स के अंदर लगा रही हूँ। ये देखिए सारे को मैंने मैरिनेट अच्छे से ज़बरदस्त सा मैंने कर दिया है। इसको मैं ओवरनाइट के लिए मैरिनेट करके रख रही हूँ। आपको पता है मछली जितनी ज़्यादा मैरिनेट रहे उतनी मज़ेदार बनती है। मसाले मैंने चाट मसाला, नमक जो कुछ था ना, नमक नहीं बाकी चीज़ें सारी इसमें डाल के अच्छे से इसको मैरिनेट करके मैंने ये रख दिया। ये इसको मैं इसको एक बॉल के अंदर निकाल रही हूँ, अच्छे से ऐसे रख रही हूँ, क्योंकि अगर हम इसको टेढ़ा मेढ़ा से रखेंगे तो इसकी शेप ख़राब होगी। हमने इसको बस स्ट्रेट ही रखना है, ऐसे खुला खुला से ही बस रख देना है कि मैरिनेट करके रख देंगे एक दिन दो दिन, जैसे माम फिश नॉर्मल रखते हैं वैसे ही रखना है। कोई मैं इसके अंदर लहसुन का यूज़ नहीं कर रही है, लहसुन के बगैर ही बड़ा ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा और फिश की जो स्मेल है बिल्कुल ज़ीरो स्मेल है, मैं कहती हूँ ज़ीरो। आप कह ही नहीं सकते कि इसमें से फ़िश की स्मेल आ रही, फ़िश है स्मेल उसकी बिल्कुल नहीं आएगी। कई लोग हैं मैंने सुना है कि जी फ़िश को स्मेल की वजह से नहीं खाते या स्मेल की वजह से नहीं बनाते, ऐसे ट्राई करें जब आप फ़िश बाज़ार से लेने जाते हैं ना, उसी भाई से बोलें कि हमारी फ़िश को चकोतरे लगा दो लेमन की जगह पे। वो सोड तो लगाता ही वहाँ पे, वो आपने वो चकोतरा मौसमी जो भी आपको लगता है वो लगवा लें, लगवा के आप घर पे लें, उसको एक रात के लिए रखें, सुबह वॉश करें और अपने मसाले दोबारा से लगा लें, कोई स्मेल नहीं आएगी, घर में पता ही नहीं चलेगा कि आप फ़िश बना रही हैं, ठीक है, धोते वक्त भी नहीं आएगी। चले जी इसको मैंने अच्छे से मैरिनेट करके रख दिया, लेमन को फ़िश के अंदर रख दिया, जो मैंने निचोड़े थे वो भी उसके अंदर ही कर दिए। ये देखिए जी ओवरनाइट के बाद मैं अगले दिन शाम को ये बनाने के लिए इनको निकाल लिया, अब इनको मैं नहीं छोड़ूंगी। ये मैंने दो चम्मच कॉर्नफ्लावर और थोड़ा सा दो तीन चम्मच ही मैदा ले लिया, उसको अच्छे से मिक्स कर लिया। ये ज़बरदस्त सी कोटिंग इसके ऊपर इस वजह से की जाती है कि जो हमारी फ़िश के ये जो मसाले होते हैं ना, इसके साथ ही कुक होते हैं हमारे ऑयल में, ये उतर के अंदर को ऑयल को भी नहीं गंदा करते हैं, ना हमारी फ़िश का ऑयल से सेपरेट होता है और फ़िश बिल्कुल क्रिस्पी लुक में आती है। आप देखिए कैसी मैं फ्राई करती हूँ और फिर आप बताइएगा कि वाकई इसके मैरिनेशन की वजह से ये बहुत मज़े की बनती है।
आप बनाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये कैसे बनते हैं। ये हर तरह की चीज़ों के तरीके होते हैं, हर किसी कोई अपने तरीके से बनाता है, लेकिन हमेशा जब भी किसी से सीखें तो कुछ अच्छा सीखें, बुरा नहीं सीखें, और जब भी कुछ नया खाएं तो दुआ करें अल्लाह ताला सबके नसीब में करें, ठीक है। ये मैं इसके लिए स्पेशल सॉस बनानी, जो कि हम जब बाज़ार में जाते हैं तो हम तो खाते हैं जी, जलंधर हो गया जहाँ भी हो गया, ये जी हमने कुर्बानी की चटनी इसके अंदर मिक्स कर दी है, और इसके अंदर ये हम पुदीने की जो नॉर्मल घर में चटनी बनाते हैं वो भी ले लेंगे। इन दोनों को हमने अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिएगा बड़ी सी ज़बरदस्ती इसकी फ़िश वाली चटनी जो हम बाज़ार में सॉस खाते हैं ना, वही वाली सॉस हमारी घर में तैयार हो जाएगी। बनाने से क्या नहीं बन सकता हमारे घर में, क्यों बहनों? इस वजह से हम अब खुद अपने घर में ये ऐसी सॉस बनाएंगे कि हमारी फ़िश को जो चार चांद है वो सॉस की वजह से लगेंगे। जब किसी के चीज़ के साथ उसकी लवाजमत पूरे हो ना, वो चीज़ का जायका दुबाला हो जाता है, बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। ये मुझे थोड़ी सी कम लगी इसके अंदर कुर्बानी की सॉस, मैं थोड़ी सी और ऐड कर रही हूँ। मैं जब भी फ़िश बनाती हूँ अपनी साथ सॉस पूरी कम्प्लीट करके रखती हूँ, क्योंकि क्या फ़ायदा अगर हमारी सॉस ही ना हुई तो हमारी फ़िश तो मज़ेदार नहीं लगेगी। बिल्कुल लो फ्लेम पे हमेशा फ़िश को फ्राई करें ताकि अंदर से भी अच्छे से खुश्क हो जाए, उसका पानी खुश्क हो जाए, तभी फ़िश मज़े की बनती है। तेज़ आंच पे बाहर से क्रिस्पी हो जाती है, अंदर से पानी होता है, फ़िश मज़े की नहीं बनती। अच्छा जी, ले जी मज़ेदार सी हमारी फ़िश तैयार है। हमने जो सॉस बनाई और आलू बुखारे की चटनी के साथ हमने सर्व की, मज़े से खाएँ, प्यार से बनाएँ, सबको खिलाएँ, और चैनल पर आते रहें, वीडियोज़ देखते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करवाते रहें, फ्रेंड फैमिली सबसे बोलें सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।